ओके जी, रश बहुत ज़्यादा है तो समझ नहीं आ रही है, परचेजिंग नहीं हो पा रही है, तो लेट्स मूव। हम यहाँ से चलते हैं, जो हमने ले लिया है वो इनफ है। यहाँ परफ्यूम्स लगे हुए हैं वो सामने, हम परफ्यूम ट्राई करते हैं। ये है मस्जिद नबवी का अंदर का अहाता और ये उसके खूबसूरत मनाजर। इस तरफ सामने रोज़ा रसूल है, अगर हम इधर से निकल के जाते तो यहाँ सामने रोज़ा रसूल आ जाता है। ये देखें जी, ये छत खुल रही है माशाल्लाह इसकी, हरम की। आपको दिखाएं ज़रा ये नज़ारा, ये देखें सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है इस छत के खुलने का। और देखे क्या खूबसूरत आसमान नज़र आ रहा है सामने से। ये अंदर जो काम हुआ हुआ है इसके छत के, ये फिरोज़ा लगा हुआ है अंदर, आप ये देखें, ये फिरोज़ा लगा हुआ है सारा। ये जितने नक्कूश के अंदर ये ब्लू सा पर नज़र आ रहा है आपको, ये फिरोज़ा है। और यही छत खुलती है माशाल्लाह, और आज अल्लाह ने ये सआदत हमें भी नसीब कर दी इसको खुलते हुए देखने की। ये सेंटर का इहाता है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये छतें बनी हुई हैं और ये जहाँ जहाँ है ये वहाँ वहाँ से खोल दी गई हैं। धूप बहुत ज़रूरी होती है कारपेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर कारपेट बिछे होते हैं, तो इसलिए उसको धूप देने के लिए इन्होंने ये निज़ाम बनाया है। और ज़बरदस्त निज़ाम है, अंदर रोशनी आती है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है ये। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हैं अलबेग। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे अलबेग है, अलबेग खाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर आके पता चला कि यहाँ तो रश ही बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जो बाहर लोग हैं इनसे तो कई गुना ज़्यादा लोग अंदर हैं, तो आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें ऐसे है कि जी आज हम ज़ियारतों पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग गाड़ी करवा ली है हम लोगों ने, अभी हम यहाँ से फैमिली को लेंगे। मिठू भाई हमारे साथ हैं, इफ्तखार भाई, इन्हों की काविशों का नतीजा है। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, हम लोग आगे चल के आपको सारा दिखाएंगे इंशाल्लाह, सारी ज्यारतें आपको दिखाते हैं। ये आज मदीने की पहली ज्यारतें हैं हमारी। हमें अरबी मिल गए हैं, उनके साथ हम ज्यारतें कर रहे हैं आज। ओके जी, हम लोग बैठ गए हैं ज्यारतों के लिए गाड़ी में और अब हम चल रहे हैं। ये देखिए नाभी, अभी ये देखिए आ गए नाभी बीच में। मैंने अभी पिन लगाई है, वरना मैं अपना दूसरा स्कार्फ पहन के मैंने अब पहन लिया तो उसके साथ स्कार्फ भी आ। ओके, مسجد الإجابة الله سبحانه وتعالى رسول يدعي هنا ويسوي السجود.
الإجابة دعاء، بعدين هو مكتوب ما استدى الإجابة، عشان الله استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم، بعدين هو سمي ما استدى الإجابة. ये है मस्जिद नजाबा और ये मस्जिद इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी आके बस। अभी आप सामने देख रहे हैं कि यह ओहद का पहाड़ है, आप देख रहे हैं पीछे ये सारा ओहद का पहाड़ है। अभी हम लोग इसी तरफ जा रहे हैं, आपको चल के ओहद का पहाड़ और इसके बारे में जो हिस्ट्री है वो बताते हैं। ये जबल ओहद के पास पहुंच गए हैं, यहाँ ये खजूर देखिए, खजूरों के बाग भी हैं साथ में, बहुत सारे बड़े यहाँ पर, यहाँ खजूरें ही तो हैं जो मिलती हैं। जबल ओहद आ गया, अभी हम यहाँ उतरेंगे रुकेंगे और इसके बारे में जानते हैं। यहाँ 70,000 सहाबाए किराम की कब्रें हैं जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। एक छोटी सी गलती की वजह से ये देखे जी उहद का पहाड़, ये अभी आपको हम लेके जाते हैं यहाँ पर बताते हैं। बहुत बड़ा पहाड़ है बेटा, ये है ओहद का पहाड़। अभी हम चूंकि वादी जिन जा रहे हैं ना, तो हम लोग अभी यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। ये देखें, ये है तो ये अल्लाह आपका भला करे, हम वापस आएंगे तो फिर इसके बारे में आपको सारी हिस्ट्री बताएंगे। अभी हम चलते हैं मस्जिद वादी जिन। हाँ जी बेटा, पहाड़ बहुत बड़े होते हैं, ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। ये बेटा ये बहुत बड़ा पहाड़ है, हम जब आके यहाँ रुकेंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये कितना बड़ा पहाड़ है। ये बहुत बड़ा पहाड़ है माशाल्लाह। ओहद का पहाड़ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ है और ये कई हजार मील तक फैला हुआ है। ये इन बिल्डिंगों के बैक साइड पर है, ये देखे, ये बहुत दूर तक हमारे साथ साथ जाएगा। ये मेरी बेटी है, इनको हम बता रहे हैं ये सारी चीज़ें ताकि इनको पता हो कि हम कहाँ गए थे और कहाँ से घूम के आए हैं। माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको बार बार बुलाए, ये भी दुआ करते हैं ना। ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पहाड़ है। जी
सर्कल जैसे बेटा बनाया हुआ उन्होंने, निशान लगाया हुए कुछ। बहुत बड़ा पहाड़ है बेटा ये औहद का। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बेसिक आपको ये पार्क नहीं दिखा रहे, औहद का पहाड़ दिखा रहे हैं जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये फसील है कोई, देखें इसकी क्या हिस्ट्री है। ये बेसिकली पुराने दौर की बनी हुई है। देखिए जी यहाँ ये औहद का पहाड़ एंड हो रहा है, ये खत्म हुआ है औहद का पहाड़। बहुत बड़ा माशाल्लाह ये पहाड़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये कई हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है।